सो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ से अपना पूरा फट चुका है, ये ओपन भी कर दी है भाई ने, तो इसको ओपन कर दे एंड रिप्लेस हो जाएगा अपना पीसीए पूरा वारंटी में। ऐसे कुछ प्लग टाइप दिए हुए है, उसको निकालने का है। यहाँ पे एक स्क्रू सिस्टम होता है बीच में, तो इसको निकालने के बाद पूरी सीट ही डिटेल। नए कवर्स आ चुके हैं एज यू कैन सी एकदम। हे गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे गाइस। अभी तो मैं जा रहा हूँ अभी नवसारी, क्योंकि मेरे को जाना है आज सीट कवर्स चेंज करवाने के लिए, जो कि हम लोगों ने वारंटी में क्लेम कर रखे थे ऑटो फॉर्म के, जो कि मैंने ऑलरेडी लगा रखे ये। तो इसमें क्या दिक्कत आ गई थी कुछ दिन पहले कि मैं वॉशिंग में गया था कार को लेके, तो दिवाली से पहले, तो क्या हुआ था कि वॉशिंग वाले ने पूरे फाड़ दिए थे, लाइक वो ये मैटिंग अपने निकाल रहा था तो इसकी वजह से उसने फाड़ दिए थे पूरे ही। तो मैंने क्लेम कर रखा था इसकी वारंटी, तो आज आ चुके हैं, कुछ एक दो महीने बाद एक्चुअली आया है, तो उसको मेरे को आज इंस्टॉल करवाना डेफिनेटली ज़रूरी है, तो उसको इंस्टॉल करवाते हैं, क्योंकि पीछे वाला ही पीस ऑर्डर किया है तो वो पीछे वाला ही आया है, तो वो तो पहुँच के ही पता लगेगा कि कौन सा पीस अपने पास आया है एक्चुअली। तो यहाँ से तो मेरे को लगेगा कुछ आधा घंटा पहुँचने में, एंड वो भाई भी एक्चुअली वेट कर रहा है क्योंकि मैंने उसको 12:30 का टाइम दिया था, बट कुछ काम की वजह से मैं अभी बिजी हो गया था तो मेरे को लेट हो गया थोड़ा सा। तो कोई नहीं, अभी पहुँचते हैं वहाँ, क्योंकि थोड़ा सा लेट भी हो चुका है उस बंदे को, क्योंकि वो बंदा वेट भी कर रहा है, तो मेरे को एज सून एज पॉसिबल जल्दी से जल्दी पहुँचना पड़ेगा। देखिए अभी इसको भी चार्ज करना भूल गया है, वही होता है जल्दबाजी में निकलने से, यही एक डिसएडवांटेजेस है, बट क्या कर सकते हैं, अपना आलसीपना तो जाएगा नहीं, बट कोई नहीं, यहाँ से हमको लगेगा कुछ अराउंड आधा घंटा, तो मैं 1 बजे तो डेफिनेटली पहुँच जाऊँगा, या फिर रास्ते में व्लॉग नहीं करूँगा तब 12:45 तक तो नहीं पहुँच सकता, हाँ लेकिन 1 बजे तक तो डेफिनेटली हम लोग पहुँच ही जाएंगे। 20-30 मिनट लगेगी यहाँ से, कुछ अराउंड 25 किलोमीटर समथिंग है। तो चलते हैं अभी डायरेक्ट करते हैं चेंज अपने सीट कवर, क्योंकि लकीली अपने को वारंटी में मिल गए, वरना अपना दूसरा चुना लग जाता 10-15 हज़ार का, और ही इतना ज़्यादा तो नहीं लगता, पूरा तो नहीं चेंज होगा, बट इतना पार्ट चेंज करने का भी 5-6 हज़ार तो डेफिनेटली लग ही जाते, तो वो अपने सेव हो गया। तो जल्द से जल्द चलते हैं एंड उसको करते हैं चेंज पहले, क्योंकि मरम्मत करवाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी सी भी छेद हो जाए अपनी कार में तो अपने को नहीं चलता, लाइक स्क्रैच हो जाए या सीट कवर फट जाए तो क्या काफ़ी बुरा लगता है अंदर, क्योंकि अभी तो नई कार है। सो गाइस मैं आप लोगों को ऑलरेडी बोलता ही आ रहा हूँ पहले से, कि जब भी आप लोग आफ्टर मार्केट कुछ प्लान कर रहे हो तो 2-3 पैसे सेव करने में मत जाओ, कुछ अच्छी ब्रांड हो उसी पे ही जाओ। आफ्टर मार्केट में भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी वैसे तो ऐसे वो मिलती है सर्विस, लाइक ऑटो फॉर्म ही देख लो, अभी मैंने कितने सारे कवर्स और ये सब कुछ अच्छे से डलवाए थे तो मेरे को आज फ़ायदा मिल गया, अदरवाइज मैं कंपनी से डलवाता एंड वो फट जाता, तो कुछ आता वो सस्ता ही कवर, बट मेरे को फिर से नया ही लेना पड़ता है। इसकी वजह से अच्छा हो कि मैंने ऑटो फॉर्म ले लिया था उस टाइम पे, या आइडिया लेके, क्योंकि ऑटो फॉर्म की एकदम फिनिशिंग भी काफ़ी मस्त होती है, लाइक एकदम प्रीमियम नेस आता है, लाइक कंपनी से तो बेहतर आता है डेफिनेटली, क्योंकि ऑटो फॉर्म एक कंपनी ही ऐसी है जो कि सीट कवर्स और ये सब कुछ में ही डील करती है, तो उसका प्रीमियम नेस तो और ही कुछ अलग ही है, नेक्स्ट लेवल का। आप लोग देख ही सकते हैं कि अपने सीट कवर बेटर देन ऑप्शनल वाले लगते हैं, ऑप्शनल में भी ऐसे ही कवर आते हैं कॉर्पोरेशन वाले, बट उसके थोड़े से कुछ अलग ही कलर के आते हैं जो कि काफ़ी गंदे लगते हैं, गंदे मीन्स के थोड़े से डलनेस टाइप लगते हैं, इसकी वाइटनेस देखिए आप लोग, और इसको मैं अच्छे से मेंटेन करके भी रखता हूँ, इसी वजह से काफ़ी मस्त रहे आज तक। तो ऐसे आप लोग भी ब्रांड में जाने चाहते हो आफ्टर मार्केट में, तो ऑटो फॉर्म या कुछ भी ऐसी वारंटी वाली ब्रांड में जाओ, तो आपकी आफ्टर सेल सर्विस भी आपको अच्छी मिलती है, अगर कुछ बिगड़ भी गया तो आप लोगों को चेंज करके दे देती है कंपनी, तो आपका काम भी एकदम मस्त हो जाता है। तो अभी तो आधा घंटा तो डेफिनेटली मेरे को यहाँ से भी लगेगा, क्योंकि आगे पुलिस वाले भी काफ़ी ज़्यादा चेकिंग करते हैं, बिकॉज ऑफ इलेक्शन आ रहा है अभी, एंड अपने दोस्त को एक पिक करते हैं, तो होप सो वो लोग जल्द से जल्द करके दे दें मेरे को, वरना अपना कट जाएगा। तो गाइस आगे जा रही है एंडेवर, और इसका रोड प्रेजेंस देखिए, ये तो ग्रे कलर में इसी वजह से इतनी अच्छी नहीं लग रही है, अदरवाइज ब्लैक होती तो इसका टोरा कुछ अलग ही होता। पहले से ही मेरी ड्रीम कर रही है एंडेवर, जो कि उसका ओल्ड मॉडल था, लाइक काफ़ी बड़ी थी वो भी मेरे को काफ़ी पसंद थी, क्योंकि उस टाइम पे इतनी बड़ी कार एंडेवर ही आती थी, देन फॉर्च्यूनर आई थी। बट अभी आप क्या बोलते हो, इंडिया में आनी चाहिए एंडेवर या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज एंडेवर आ गई तो फॉर्च्यूनर की डेफिनेटली सेल्स कम हो जाएगा, क्योंकि फीचर्स के जो शौकीन होते हैं वो तो डेफिनेटली एंडेवर की तरफ जाएगा, अदरवाइज रिलायबिलिटी तो अपनी टोयोटा ही देती है, तो दोनों कार एकदम मस्त है कंपेरिजन में। तो आपकी क्या राय है, कौन सी बेस्ट लगती है आपको, एंडेवर या फॉर्च्यूनर, दोनों का रोड प्रेजेंस कौन सा अच्छा लगता है? मेरे को इसका पीछे से काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट लेजेंडर आगे से डेफिनेटली अच्छी लगती है एंडेवर से, बट जो नया वर्जन है एंडेवर का जो वो इंडिया में आ गया और प्राइस कुछ अराउंड 40-45 रखी वो लोगों ने,
तो ये सबके बीच में तहलका मचाने वाली है डेफिनेटली आने वाले कुछ ही टाइम में। देखिए ना इसकी रोड प्रेजेंस क्या ही गजब लग रही है, कितनी ह्यूज है, ह्यूज। एक ना एक दिन तो अपन भी लेंगे, अगर आपका सपोर्ट रहा तो अपनी कार भी ऐसे ही दौड़ेगी यही सेम ब्लैक कलर में डेफिनेटली। एसयूवी का ही अभी तो प्लान है, जो आप लोगों ने कुछ सपोर्ट किया तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक बज चुका है एंड हम लोग पहुंच भी चुके हैं। मैंने उसको 12:30 बजे का टाइम दिया था बट एज ऑलवेज अपने थोड़ा सा लेट हो चुका है। यहाँ पे ही है सामने स्टोर, लेफ्ट साइड पे उगम सीट कवर्स करके, यहाँ पे ही और ऑटो फॉर्म की वो लोगों के पास फ्रेंचाइजीज हैं, तो यहाँ से अपने ये चेंज करवाते हैं एंड निकलते हैं। तो आप लोगों को पीछे दिखाता हूँ पहले कि कैसे फटा हुआ है अपना। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ से अपना पूरा फट चुका है, ये ओपन भी कर दी है भाई ने, तो इसको ओपन करते हैं एंड रिप्लेस हो जाएगा अपना पीसीए पूरा वारंटी में। एज यू कैन सी ऐसे कुछ फट चुका है, ये फाड़ दिया है एक्चुअली वॉशिंग वाले ने, ये मैटिंग रखा था इधर जो डॉट वाला होता है उसको अंदर डाल के इधर से पूरा फाड़ दिया। एज यू कैन सी अपना ये पूरी सीट निकल गई है, आप लोग देख सकते हैं ऐसा कुछ लुक आता है इसका एंड अंदर कुछ भी नहीं होता है, ऐसे इसके ऊपर सीट ही प्लेस करी हुई होती है, तो ऐसे कुछ है सीन अंदर का देखिए। सो गाइस ये रही अपनी सिंड्रेला एंड यहाँ पे काफ़ी सारे कार का काम चल रहा है। एज यू कैन सी i10 में भी कुछ सीट कवर्स ये सब कुछ डल रहे हैं एंड अपना सीट कवर भी यहाँ पे एक्चुअली इंस्टॉल हो रहा है। हाथों हाथ इसको भी साफ कर ही देते हैं, अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है लाइक ऐसे कचरा, क्योंकि सीट के ऊपर जो गिरता है वो सीधा अंदर ही चला जाता है, इसको अपन हाथ से ही बाहर निकाल देते हैं सब कुछ क्लीन करके, ताकि अंदर कुछ और कचरा ना आए, बाल और ये सब कुछ देखिए ना हेयर सॉरी सब कुछ अंदर आ जाते हैं। वैसे तो क्लीन ही है, एज यू कैन सी इसको पूरा ऐसे झाड़ देते हैं अदरवाइज काफ़ी ख़राब हो जाएगा बाद में। उस साइड पे तो ऐसे जितना गंदा नहीं है बट इस साइड पे ही था, तो अभी मस्त क्लीन हो गया, तो अंदर से सब कुछ निकाल दिया। अदरवाइज मैं कर रहा था कि वैक्यूम कर दूँ बट वैक्यूम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, एकदम क्लीन हो गया। इस सीट को निकालना एकदम ही आसान है, लाइक यहाँ पे दो ऐसे कुछ प्लग टाइप दिए हुए है उसको निकालने का है, यहाँ पे एक स्क्रू सिस्टम होता है बीच में, तो इसको निकालने के बाद पूरी सीट ही डिटैच हो जाती है एंड बाहर निकल आती है अपने आप ही। तो एज यू कैन सी ऐसे ऊपर वाला पोर्शन भी हम लोग निकाल सकते हैं घर पे एंड क्लीन भी कर सकते हैं, हम लोग चाहते हो अंदर क्लीन करना तो आप लोग ऐसे इसको क्लीन भी कर सकते हैं, काफ़ी मस्त तरीके से आप लोग अंदर भी क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से गैप में से काफ़ी ज़्यादा कचरा और ये सब कुछ भी अंदर चला ही जाता है, छोटे मोटे कुछ पत्थर ये सब कुछ। तो फाइनली गाइज अपना नया कवर्स आ चुके हैं, एज यू कैन सी एकदम पता भी नहीं लग रहा है कि नया है कि ये पुराने वाले डाले, क्योंकि एकदम मस्त चकाचक हो गए अपना अभी एकदम मस्त। अभी इसको अंदर नहीं डाला इसने यार, इसको अंदर डालना पड़ेगा मेरे को ही, तो वो रह गया बट कोई नहीं, अभी इसको तो कुछ जुगाड़ करेंगे हम लोग। यहाँ पे कुछ लगा है, ये सब कुछ क्लीन कर दूंगा बाद में तो घर पे जाके। तो एज यू कैन सी एकदम मस्त चकाचक अपने नया कवर्स भी आ गए हैं, अभी चलते हैं घर की तरफ। वहां से तो अपना काम हो चुका है एकदम मस्त, लाइक सब कुछ चेंज हो गया सीट कवर ही अपना, तो मेरा एक्सपीरियंस तो काफी मस्त रहा लाइक उगम सीट कवर वालों के पास। अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो, अगर आप लोग है सूरत से या नजदीक के कुछ एरिया से, तभी आप लोग उसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं लाइक उगम सीट कवर का, उसका नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में वैसे तो मिल ही जाएगा, क्योंकि काफ़ी मस्त बंदे हैं एंड एकदम मस्त तगड़े रिस्पांस देते हैं अपने को, लाइक जब भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कोई भी क्वेरीज करे बिना डायरेक्ट अपने को चेंज करके दे देते हैं, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट वारंटी में हो। तो मैंने तो सब कुछ चेंज करवा लिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अपनी सीट कवर भी मस्त हो गए। लाइक माइंड में कुछ खटकता रहता है कि अगर कुछ छोटा सा भी डैमेज हो गया आपकी कार में, तो आपको माइंड में वही रहता है कि कुछ डैमेज है, तो आप लोग बिल्कुल भी चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर मत जाइए एंड ऐसे कुछ ब्रांड्स के ऊपर जाए जो आपको 2-3 साल की वारंटी तो एटलीस्ट दे दे। तो कुछ भी हो गया अभी भी उसने मेरे को बोला कि अपना ये कवर भी सेटिंग में हम लोग चेंज करवा लेंगे, अदरवाइज आपका थोड़ा सा भी फट गया तो मेरा कुछ थोड़ा सा नॉर्मल सा स्क्रैच टाइप है, तो वो भी थोड़े टाइम में हम लोग चेंज करवा लेंगे।
तो काफी मस्त बंदा है। लाइक मेरा एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा रहा। लाइक मैंने वो लोगों के पास ये अपने 70 मैट्स डलवाए थे, ये सीट कवर डलवाए थे और काफी ज्यादा काम करवाया था मैंने अपनी कार में। एंड एकदम जेन्युइन वर्कर्स भी है वो लोगों के पास। तो अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग जा सकते हैं सूरत या इधर से भी हो आप लोग, तो काफी मस्त आपका एक्सपीरियंस भी रहेगा मेरी तरह। एंड आपकी कार भी एकदम मस्त प्रोटेक्ट रहेगी क्योंकि वो लोग कभी भी स्क्रैच स्क्रूच नहीं मारते हैं किधर भी। कुछ लोगों के पास अच्छे प्रोडक्ट होते हैं बट उसके स्टाफ अनप्रोफेशनल होते हैं। आपकी प्रोडक्ट आप लोग कुछ भी लेते हो बट इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपकी कार को डैमेज हो सकती है थोड़ी सी नॉर्मल भी। तो मैं ये सब चीज़ में नहीं पड़ता हूँ, इसी वजह से मैंने उगम सीट कवर को ही चूज़ किया था क्योंकि अपने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बंदे थे जो ऐसे काम करते हैं बट अपने उगम सीट कवर वाले बंदे एकदम बेस्ट है आफ्टर मार्केट एसेसरीज में। लाइक वो लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की डील करते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डिस्प्ले हो गई अपनी, अलॉय व्हील्स और सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को वहाँ पे एक बार आप लोग विजिट करोगे तो। यहाँ से मेरे को अभी घर पे निकल रहा हूँ मैं तो, क्योंकि मेरा काम हो गया है तो और कुछ काम नहीं था। मेरे को स्पंज लेना था जो पॉलिश अप्लाई करे वो, लेकिन वो तो वहाँ पे मिला नहीं तो हम लोग अभी आगे से किधर से ले लेंगे या फिर एक दो दिन में आना हुआ मेरा तो इधर से ही ले लूंगा। अभी मैंने सन वाइप्स लगा दिए चारों ओर तो बाहर से तो अपने विंडो एकदम टिंटेड लगती है, लाइक टिंट करवाई हुई ऐसी लगती है। आप लोग आफ्टर मार्केट ऐसे कुछ सनसेट ये सब कुछ भी लेना चाहते हो तो एबल कंपनी के लेने का ही सनसेट काफी मस्त होते हैं क्योंकि जो और भी आप लोगों को ब्रांड्स मिलती है तो उसमें क्या होता है कि गर्मी में आप जब भी कार अपनी रखते हो ये पूरा कलर इसका फेड हो जाता है एंड कुछ ब्राउन टाइप का हो जाता है। आपने देखा होगा उबेद भाई की कार में भी एकदम ब्राउन हो गया एंड ये सब कुछ डैमेज भी कर देता है ये पार्ट को। अपने यहाँ पे टक इन करते हैं वो हम लोग वहाँ पे क्योंकि उसकी जो नेट होती है वो जल्द से जल्द फट जाती है, अंदर जो तार होती है वो बाहर निकल जाती है, इसमें जंक लगने के कारण आपके डोर पे भी जंक लग सकता है। तो ऐसे फेक प्रोडक्ट भी काफी ज्यादा है, लाइक 300-400 रुपए में आपको मिल जाएगा बट ये अपने को पड़े थे 700 रुपीज के। तो प्रोडक्ट काफी मस्त है, एकदम फिट एंड फिनिशिंग भी आप लोग देख सकते हैं काफी मस्त है। तो मेरे को काफी पसंद थे तो मैंने ये भी लगवाए थे। ये मैंने उन लोगों के पास नहीं लगवाए थे, उन्होंने मैंने दूसरी जगह पे इसे लिया था क्योंकि वहाँ पे अवेलेबल था नहीं। एंड आप लोगों को अभी बात करें सीट कवर्स की, तो सीट कवर के बारे में आप लोग को समझाता हूँ कि आपको जब भी एसएक्स मॉडल लेते हो या फिर आपकी कोई भी कंपनी की कार लेते हो तो आपके साथ क्या होता है कि आपको मिलते हैं फैब्रिक्स वाले कवर जो कि हो जाते हैं जल्दी खराब। तो जब भी आप लोग भी प्लान करें तो ऑटोफोम के ही लेना क्योंकि ऑटोफोम कंपनी ही एक ऐसी है आफ्टर मार्केट सीट कवर्स में जो कि एकदम लग्जरियस एंड प्रीमियम सीट कवर्स आपको प्रोवाइड करती है। देखिए और ऑटोफोम के तो वैसे देखा जाए तो आप लोगों को वेबसाइट पे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलेंगे एंड सब कुछ मिलते हैं। थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं नो डाउट बट उसका काम भी एकदम एक्सपेंसिव वाला ही होता है, लाइक आफ्टर सेल सर्विस और ये सब कुछ भी देख लो आप लोग तो आपको काफ़ी मस्त सर्विस भी मिलती है। तो आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा इस वीडियो में कि कैसे प्रोडक्ट डलवाने चाहिए अगर आप लोग प्लान करो आफ्टर मार्केट एसेसरीज में, लाइक ऑटोफॉर्म और ऑटोटेक ऐसी ही ब्रांड के लेना ताकि आपको एकदम जेन्युइन प्रोडक्ट मिले विथ गारंटी वारंटी के साथ मिले ताकि आपको कोई भी क्वेरीज हो कुछ भी डैमेजेस हो तो आप लोग इजीली उसको क्लेम कर सको वारंटी। तो आई होप आप लोगों को वैसे तो अंडरस्टैंड हो गया होगा इस वीडियो में। तो मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन बाय, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, साइनिंग ऑफ वेंडरिंग लायन गाइस। इतना कुछ था नहीं इस वीडियो में बट आने वाले टाइम में काफी मस्त कॉन्टेंट आने वाला है तो स्टे ट्यून फॉर दैट गाइस। मिलते हैं नई वीडियो में, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।